शराब की दुकान लूटी है, 17,000 रुपया 16,000 रुपया गले से चोरी किया है, फिर भी इमरजेंसी को हरा दिया। क्या उसी वक्त हमारी कदर आएगी जब हम जैसे लोगों का भगत सिंह जैसा अंजाम होगा? धर्म के पेशाओं का अपमान होता है, यह है इंसानियत। इस तरह हम विशुद्ध गुरु बनेंगे? पैगंबर इस्लाम की तौहीन करके हम विशुद्ध गुरु बनेंगे? दुनिया तबाह हुई जा रही है, हम उससे सबक नहीं लेते? हम यरूशलम और यूक्रेन की जंग से सबक नहीं लेते? चीन ने हमारे ऊपर कितना बड़ा कर्जा कर रखा है, हम उससे सबक नहीं लेते? हम दुश्मन से नहीं लड़ते, भाई से भाई को लड़ाते हैं। एक हीरा दिया है, एक हीरा दिया है आपको, और उधर से एक एहसान फरामोश है जिसके लिए टिकट मैंने हेलीकॉप्टर से मंगवाया था। वो समाजवादी पार्टी का एमएलसी हेलीकॉप्टर से मंगाया था टिकट, क्योंकि टिकट किसी और को हो गया था, मैंने उसके लिए जिद की थी। वह कम रह गया था, लखनऊ से हेलीकॉप्टर चला, बरेली उतरा, और 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ और एमएलसी बन गया। आज वो मत के मुकाबले है, कैसे ईमानदार शख्स के मुकाबले में फैसला आपको करना। एक तरफ है किसान फरामोश दल बदबू, तो तीसरी पार्टी में बहुजन, समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद किस पार्टी में जाएंगे नहीं मालूम, लेकिन आसिम राजा जो सफर हमारे साथ शुरू किया था, उस सफर की मंजिल तो पता नहीं कहां है, लेकिन उसके रास्ते पर उस शख्स ने हमारा एक कदम भी साथ नहीं छोड़ा, और जिसने साथ नहीं छोड़ा है उसका साथ कोई भी नहीं छोड़ा।